गाइस कम बैक टू अदर वीडियो। सो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे जो है सब्सक्राइब बटन बना सकते हैं। सो गाइस ये बहुत सिंपल ट्रिक है, इस वीडियो में आप ज़रूर सीख जाएंगे। 100% श्योर हूँ मैं, इस वीडियो में आप ज़रूर सीख जाएंगे। जो सब्सक्राइब बटन होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये सब्सक्राइब बटन होता है ये आप कैसे बना सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखते हैं। सो गाइस अगर आपने अभी तक भी नहीं इस वीडियो को लाइक किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना भी। सो गाइस इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो ये सब्सक्राइब बटन होता है, जैसे कि सब्सक्राइब एनिमेशन आप देखते, मतलब कोई जैसे मैंने अभी बोला आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो यहाँ पर ऊपर मतलब नीचे से आ गया सब्सक्राइब बेल आइकन दिख रहा होगा यहाँ पर। अभी कोई ही एनिमेशन में आपको आज बताऊँगा कैसे ये बना सकते हैं। सो गाइस ये बहुत सिंपल और यूनिक ट्रिक है, आज मैं आपको बताऊँगा फुल स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊँगा कैसे आप इसको यूज़ कर बना सकते हैं। सो गाइस आपको पहले क्या करना है, आपको पहले जो आप देख रहे हैं ये वीडियो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और आपको वहाँ पर लिख के होगा जो है सब्सक्राइब बटन का एनिमेशन, आपको वहाँ पर दिख रही होगी लिंक, आपको उस पर टैप करना है और फिर वहाँ पर बहुत सारे आपको एनिमेशन दिख रहे हैं, जो भी आपको फिर अच्छा लगेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको आगे मैं आपको बताऊँगा क्या कर देना है आपको। फिर आपको वो आपको करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको कोई सा भी ऐड लेने जिससे आप एडिटिंग कर सकते हो। जैसे मैं काइन मास्टर का यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर काइन मास्टर का यूज़ करता हूँ, आगे का आप मैं अभी बताता हूँ। सो गाइज चल करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो गाइज मैं यहाँ पर होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। सो गाइज यहाँ पर आपको मैं आप बताऊँगा कैसे आप बना सकते हो सब्सक्राइब का बटन, आपने पहले देख ही लिया होगा। सो गाइज इसी वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे बना सकते हो सब्सक्राइब का एनिमेशन बटन। सो गाइस के लिए आपको उसके लिए आपको काइन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको प्ले स्टोर में जाकर काइन मास्टर को इंस्टॉल करना है, सिंपली आपको करना है काइन मास्टर इंस्टॉल, वो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। काइन मास्टर इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर उसको ओपन करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर करके रखा था पहले ही, यहाँ पर मैं आप इसको ओपन कर रहा हूँ। सो गाइस ओपन करने के बाद सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन हो गया है। सो गाइस यहाँ पर आपको इस पर टाइप करना है, यहाँ पर आपको 16:9 रेशो का सिलेक्ट कर देना है। सो गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। सो गाइस ये सब करने के बाद अब आपको असली चीज़ करनी है। सो गाइस जो मैंने आपको बोला डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर आपको जाना है और आपको वहाँ से कोई सा भी जो है एडमिशन बटन आपको बना ले ये डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको वो दिख जाएगा कहीं पर भी। सो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वो है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर मीडिया पे टैप करना है। मीडिया पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पर करना है आपको यहाँ पर वही सा जो है वीडियो आपको लेना है जो आपने इंस्टॉल कर रखा था। तो गाइस यहाँ पर आपको सिंपली से जो है वो जो आपने इंस्टॉल कर ये डाउनलोड कर रखा था वो एनिमेशन वो आपको यहाँ पर जो भी आपको पसंद आया होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर उसी को जो है ओपन करना है। सो गाइस ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये वाला जो है सिलेक्ट किया था। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस आप इसको बात है बनाने कैसा है। सो गाइस आप यहाँ पर आपको देखना है कहाँ पर ये ऊपर जा रहा है और कहाँ पर नहीं। सो गाइस यहाँ पर आपको अपने नाम लिखना लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। सो गाइस लिखने के बाद यहाँ पर इसको फॉन्ट को भी चेंज कर देते हैं, इसको हम ये वाला रख देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप इसके यहाँ पर आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और कलर भी, यहाँ पर मैं ब्लैक रख देता हूँ, ये वाला रख देता हूँ, ब्लैक ही रख देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आपको कलर भी अगर आपको यही कलर चाहिए तो कर सकते हैं, वरना आपको चेंज भी कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप इसके यहाँ पर इसको आप मुझे सेट कर देना है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं।
नेम यहाँ पर आपको नेम लिख देना है। सो गाइस अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है लोगो होता है जो आपने बनाया होगा लोगो वो आपको यहाँ पर लाना है। सो यहाँ पर मैं लोगो ला देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आपको सिंपली सा है जो अपना लोगो होगा आपका आपके चैनल का लोगो वो यहाँ पर आपको लाना है। सो गाइस लाने के बाद इसको आपको कटिंग मतलब अच्छी पोजिशन में लाना है, खुद के हिसाब से आपको यहाँ पर इसको कर देना है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको लोगो टाइप पे बना दिया है। सो गाइस बना देने के बाद इसको आप इसको सेट करना है ऐसे कि मैंने यहाँ पर इसको किया सेट। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर सेट किया। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस अब इसको हम अच्छे से जो है कर देते हैं, इसको हम अच्छे से जो है यहाँ पर कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस अब आपको ये करना है, जैसे ये एनिमेशन होती है इसी हिसाब से आपको इसको इसको भी जो है नेम और टेक्स्ट है इसको आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको इन एनिमेशन में जाना है और यहाँ पर आपको इसको ऐसे इसको आपको ऐसे कर देना है। गाइस ये सब करने के बाद आपको जो लोगो है इसको भी आपको वैसे ही सेम तरीके से स्लाइड अप करना है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो कर दी है। अब इनको आउट एनिमेशन भी आपको स्लाइड डाउन कर देनी है, स्लाइड डाउन पे आपको लोगो को भी जो है कर देना है। सो गाइस अब सारा कुछ जो है प्रोसेस यहाँ पर बन गया है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस इसको हम बराबर जो है रख देते हैं। इसको जो है हम बराबर से रख देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत ही यूनिक लग रहा है और अच्छा लग रहा है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस कितना है अच्छा दिख रहा है। सो गाइस ऐसे ही जो है आप अपना जो है खुद का प्लेवर जो है ये एनिमेशन बटन आप बना सकते हैं। सो गाइस आई होप ये आपको वीडियो को अच्छी लगेगी। आपने यहाँ पर देखा कितनी आसानी से मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब का एनिमेशन बटन जो है बना दिया है। सो क्या अगर आप भी ऐसे बना सकते हैं तो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप सब टैप करो और जो भी आपको अच्छा लगे और उस पर बना दो। सो क्या आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा और इस वीडियो में आपको बहुत ही सीखने को मिला होगा और बहुत ही मज़ा होगा इस वीडियो में। सो क्या मिलते हैं कभी नए वीडियो में, तब के लिए बाय।